मैं तो एक एक औरत को देखा, एक लड़की को देखा कि डिवॉर्सन से वो निकली और उसकी माँ पहले निकली, बल्कि नहीं वो पहले निकली, लड़की यंग सी लड़की, मतलब शी मस्ट बी हिटिंग द टीन एज, बड़ी उम्र की भी नहीं थी, और मैं गाड़ी में था और नाइवर सकें, वो बड़े गुस्से से निकली। मैंने कहा खैर है, गाड़ी पास गई और उसने गाड़ी को टक टक किया कि नहीं खुली गाड़ी। उसकी अभी वालदा पार्किंग लॉट से ऑपोजिट डिवॉर्सन से निकल रही हैं और इसने यहाँ से छीका कि खोलो इसे। उसकी मालदा ने बेचारी शर्म से ना, कि लोगों ने सुना, नीचे मुस्कुरा रही थी और वहीं से गाड़ी अनलॉक की तो वो ठा करके खोली और ठा करके बैठी अंदर। भूल जाएंगे, आपको कुछ छोटी छोटी बात पर चिढ़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग स्लोअर फिजिकली मेंटली। अब वो अपनी जवानी वाली स्टेज पे नहीं, अब उनके लिए चीजें मुश्किल हो रही है, तो दे आर नाउ एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कभी कभी पेरेंट्स डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन कभी भी, बट अब वो हो जो रहे होते ना उनसे वो अजीब सी, बिकॉज उन्होंने सारी उम्र यार हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो कहते हैं यार ये कल का बच्चा, अब मैं इस पे डिपेंडेंट कैसे हो सकते हूं, हो जाते हैं। हां लेकिन अब हो रहे होते हैं तो वो चीज उनके लिए मुश्किल हो रही होती है, तभी एट दैट टाइम दैट्स व्हेन दे नीड अस द मोस्ट। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, एवरीबॉडी पेरेंट्स आर वेरी सेंसिटिव, और हम लोग ना उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देयर लाइफ वॉज प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, लेकिन वेन यू केम एंड मी केम वी बिकम देयर प्लान एंड दे चेंज एवरीथिंग फॉर अस, और हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। एक बार माई मदर वॉज स्टैंडिंग इन द किचन और मैं उनके पास गया और पता नहीं क्या बात कुछ हुई ना, तो शी टर्न्ड और शी स्लैप्ड मी, ठीक है, और उन्होंने ना मारना आराम से था लेकिन वो मुँह पे ना थोड़ा जोर का लग गया थप्पड़ ना, और काफ़ी ऊँची आवाज़ आई। आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने मतलब क्यों मारा मुझे, और शी वॉज शॉक्ड एज वेल कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई उस वक्त ईमान वॉज वेरी वाइब्रेंट और आई कंट्रोल्ड अलॉट, और मैं ना मैं हंस पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं हंस पड़ा ना बहुत ज़्यादा, और शी फेल्ट सो गुड अबाउट दिस, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी करना शुरू कर दिया और वो माफ़ी मांगना शुरू कर दी। लेकिन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यू नो यू हैव टू रियली कंट्रोल। मैं एक बात अक्सर कहता होता हूँ कि आपके कुछ भी रूल्स होते हैं लाइफ में, व्हेन यू बिहेव विद सर्टेन पीपल अराउंड यू, आप उन सारे रूल्स से ना एग्जेम्प्ट कर दें अपने वालदैन को, अपने आप को छोड़ दें। सारी इज्जत क्या होती है माँ बाप के साथ, ईगो क्या होती है, टाइम क्या होता है, क्या चीज़ क्या होती है माँ बाप के लिए, कोई आपकी वो नहीं होनी चाहिए। यू आर नथिंग बेसिकली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स इवन व्हेन दे आर डूइंग रॉन्ग टू यू। जिनकी वजह से आप दुनिया में आए हैं और अल्लाह का हुक्म है, वो अगर आपसे की बात करें तो आप उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते बात। ये कितना ड्यूअल यू नो आयरनी है ये, ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी है। यू डोंट हैव टू फाइंड अ रीजन, यू जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, आप पैर दुबाने लग जाएं इवन व्हेन दे डोंट नीड इट। अपनी ईगो से बीच में ना आने दें कि मैं जो है ना बड़ा कोई इंसान हूँ, मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ या मैं चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, नहीं आप कुछ भी नहीं अपने पेरेंट्स सामने, उनके वो आपके डायपर चेंज करते रहे, उनकी औलाद हैं आप, मतलब आपके ऐबों को भी जानते हैं, ठीक है। सो उनके सामने जो है ना अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल गिरा दें, ख़त्म कर दें, और सबसे पहले अगर रिलेशन आपका ख़राब है तो जाके उनके पास उनसे रोएं, माफ़ी मांगें।